गाइस आज का अपना टॉपिक है मिडिल ईयर। और यार मिडिल ईयर में क्या होता है, यूनिवर्सिटी पे क्वेश्चन आ जाता है वेरी शॉर्ट कि राइट है बॉर्डर्स एंड कंटेंट्स ऑफ मिडिल ईयर। तो आज अपन इस पूरे मिडिल ईयर को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। और मेनली मैं आपको बताऊं यार, मिडिल ईयर को क्या होता है, इमेजिन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि मिडिल ईयर जो है वो एक तो आपका 3D स्ट्रक्चर होता है। मिडिल ईयर एक्चुअली में क्यूब शेप का होता है कुछ इस तरीके से। अब अपन डायग्राम में देख के किसी 3D मॉडल को यार समझ नहीं सकते, उसके लिए मैंने क्या करा आपके लिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आए, इसलिए मैंने पूरा मिडिल ईयर का 3D मॉडल आपके लिए बनाया। कि जो मॉडल है ना यार, ये एक्चुअली में अपने BDC में ही दिया हुआ है। तो आप जब ये मेरी वीडियो देखने के बाद खुद जब मिडिल ईयर एक बार रीड करो तो आप भी BDC से बना लेना। BDC के लास्ट पेज में ये मिडिल ईयर का आपको ये 3D मॉडल मिल जाएगा। अब अपन पूरा अच्छे से जो है मिडिल ईयर को देखते हैं। तो सबसे पहले यार, मिडिल ईयर बताने से पहले मैं क्या आपको बिल्कुल बेसिक से अपन चलेंगे ताकि सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हों। अपन जानते हैं अपन अपने ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले अपना एक्सटर्नल ईयर, देन एक्सटर्नल ईयर के बाद अपना आता है मिडिल ईयर जो आज अपन को पढ़ना है, उसके बाद अपना आता है इंटरनल ईयर। अगर अपन देखें एक्सटर्नल ईयर में मेनली क्या आता है, एक्सटर्नल ईयर में अपना आता है पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब और एक अपनी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। देन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से इंटरनल ईयर तक, उसके बीच में अपना रहता है ये मिडल ईयर। अब मेनली मिडल ईयर में क्या होता है, अपने होते हैं ईयर ऑसिकल्स। फिर अपना आता है इंटरनल ईयर, और अपन जानते हैं ये इंटरनल ईयर किससे बनता है, ये दो चीज़ों से बनता है। एक बीच में अपना सर्कुलर स्ट्रक्चर जिसको अपन कहते हैं कॉकलियर, और अपनी 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, कि दोनों मिलके अपनी बनाती हैं इंटरनल ईयर। तो ये अपन ने पूरा देख लिया बेसिक। अब अपन आते हैं इस मिडल ईयर पे। तो यार ये जो मिडल ईयर जो होता है ना, मैं अगर आपको रख के बताऊं, ये इंटरनल ईयर अपना मीडियल साइड में होता है और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहाँ है, इसके लेटरल साइड में। तो मिडल ईयर कहाँ से एक्सटेंड कर रहा है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से इंटरनल ईयर के बीच में। तो ये मॉडल है, इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये है अपनी लेटरल वॉल जहाँ पे पूरे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, और ये है इसकी इंटीरियर वॉल। अब मैं आपके इस मॉडल को इस डायग्राम में रख के बताता हूँ। लेटरल वॉल में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है तो उसको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की साइड रखते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है आपको मिडल ईयर अब दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से जो है अपना मिडल ईयर होता है। अब आप देख पा रहे हो अपना मिडल ईयर किस शेप का है, कम्प्लीटली ये क्यूब शेप का होता है। जो अपनी मैस्टिक रहती है ना, उस शेप का ये है, एक क्यूब शेप का जो ये मिडल ईयर अपना होता है। लेकिन ये कौन सा क्यूब शेप है, ये चपटा क्यूब है, क्योंकि इसकी मीडियल वॉल और लेटरल वॉल, मिडल ईयर की मीडियल और लेटरल वॉल जो है बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, लार्ज होती हैं इसकी अदर वॉल से। बाकी आप देखो इसका इंटीरियर वॉल, इसका फ्लोर, इसका रूफ, इसकी पोस्टीरियर वॉल सारी कैसी हैं, छोटी हैं, चपटी हैं। तो मिडल ईयर अपनी एक क्यूब शेप की स्पेस होती है जिसकी लेटरल और मिडल वॉल लार्ज होती हैं। तो कुछ इस तरीके का अपना जो है मिडल ईयर रहता है। अब इसकी बाउंड्री देखने से पहले अपन इसके थोड़े से इंट्रोडक्शन के पॉइंट देख लेते हैं। तो ये जो मिडल ईयर जो है वो अपना कैसा रहता है, वो अपना नैरो एयर फील्ड स्पेस रहती है। मेनली इसके अंदर ये एयर फील्ड स्पेस है जो कि अपना सिचुएटेड होता है टेम्पोरल बोन में। और टेम्पोरल बोन के भी कौन से पार्ट में, पेट्रोस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में। ये आपको दिख भी रहा होगा अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं, ये ने बोन को कट करा है ना क्रॉस सेक्शन में, ये कौन सी बोन है, ये अपनी है टेम्पोरल बोन। और टेम्पोरल बोन के पेट्रोस पार्ट में अपना रहता है मिडल ईयर। और ये मिडल ईयर कहाँ पर एक्सटेंड करेगा, एक्सटर्नल ईयर और इंटरनल ईयर के बीच में। देन मैंने आपको उसका शेप तो बता ही दिया था कि एक क्यूब शेप का होता है जिसकी मीडियल और लेटरल वॉल जो है लार्ज होती हैं। कुछ इस तरीके से अगर अपन रखा भी था अपन ने, कुछ इस तरीके से अपना मिडल ईयर होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊं सब डिवीज़न। एक्चुअली में जो मिडल ईयर है ना, इस पूरे को अपन कहते हैं टिम्पेनिक कैविटी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो अपन इस पूरी टिम्पेनिक कैविटी को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे अब ये पेन रख के बताऊँ तो आपको क्लियरली दिख पा रहा है, एक कैविटी जो कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के जस्ट अपोजिट में है उसे अपन बोलेंगे टिम्पेनिक कैविटी प्रॉपर, और एक कैविटी आपको इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर दिख रही होगी ये वाली छोटी सी,
उसको अपन बोलेंगे एपिटिम्पेनिक रिसेस। रिसेस का मतलब ही होता है स्पेस, और एपिटिम्पेनिक का मतलब है टिम्पेनिक के ऊपर। तो अपन ने क्या करा, इस पूरी टिम्पेनिक कैविटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक टिम्पेनिक कैविटी प्रॉपर जो कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के जस्ट पीछे है, और एक अपना एपिटिम्पेनिक रिसेस, ये छोटा सा पार्ट। फिर अपन देखते हैं टिम्पेनिक कैविटी के कम्युनिकेशन। अब आप बोलोगे सर ये जो टिम्पेनिक कैविटी जो है ये एक्चुअली में अपना क्लोज क्यूब होता है, तो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये क्लोज क्यूब नहीं है, ये भी कम्युनिकेट करता है। अगर आपको पता हो जो मिडल ईयर जो है ये नेजोफेरिंग से कम्युनिकेट करता है थ्रू यूस्टेशियन ट्यूब से। ये मैंने नीट के लिए भी पढ़ा था, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो मिडल ईयर जो अपना होता है ना वो एक्चुअली में अपने नेजोफेरेंस के साथ कम्युनिकेट करता है एक ट्यूब के थ्रू। यहाँ पे आपको ट्यूब दिख रही होगी, उससे अपन बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब या फिर ऑडिटरी ट्यूब। और इस ट्यूब की ओपनिंग जो रहती है ना वो मिडल ईयर के एंटीरियर वॉल में रहती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मिडल ईयर का है लेटरल वॉल, ठीक है ना, तो उसको मैंने लेटरल साइड रखा, और ये है फिर इसका इंटीरियर वॉल। तो इस इंटीरियर वॉल में आपको यहाँ पे एक ओपनिंग दिख रही होगी, तो ये जो ओपनिंग है ना ये अपनी ऑडिटरी ट्यूब की ही ओपनिंग है। तो इसी ओपनिंग के थ्रू अपनी ऑडिटरी ट्यूब जो है मिडल ईयर में ओपन होती है, और मिडल ईयर को नेजोफेरेंस के साथ कम्युनिकेट करवाती है। तो आप बस अच्छी तरीके से याद कर लेना कि इंटीरियर में मिडल ईयर नेजोफेरेंस के साथ कम्युनिकेट करता है। वहीं अब अपन देखें पोस्टीरियर में, तो जैसे अपन ने इंटीरियर में एक ओपनिंग देखी ना ऑडिटरी ट्यूब की ओपनिंग, वैसे ही इसके पोस्टीरियर में भी एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है। यह पोस्टीरियर वॉल है, उसमें एक ओपनिंग प्रेजेंट है, उस ओपनिंग का नाम है एडिटस। अब एक्चुअली में क्या रहता है, अपने पोस्टीरियर में यहाँ पे एक कैविटी रहती है, उससे अपन बोलते हैं मैस्टॉइड एंट्रम। इसको मैं क्या आपको दूसरे डायग्राम में अच्छे से शो करता हूँ तो आपको क्लियरली दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, ये अपन जो है जो टेम्पोरल बोन है ना उसको इस सेक्शन में देख रहे हैं, ये लेटरल सेक्शन में देख रहे हैं। अपने टेम्पोरल बोन लिया और उसे कट करा, तो अपन को पता है टेम्पोरल बोन में अपना प्रेजेंट है मिडल ईयर, ठीक है ना, और टेम्पोरल बोन में ही एक प्रोसेस रहती है, उससे अपन बोलते हैं मैस्टॉइड प्रोसेस। उसी मस्टोइड प्रोसेस के ऊपर आपको एक स्पेस दिखेगी, उससे अपन बोलते हैं मस्टोइड एंट्रम। अभी जो मस्टोइड एंट्रम जो है ये मिडल ईयर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ये आपको दिख रहा है ना। इसी मस्टोइड एंट्रम की ओपनिंग को अपन बोलते हैं एडिटस, जो कि मिडल ईयर के पोस्टीरियर साइड में होता है। तो आप क्या अच्छे से इमेजिन हो गया होगा, वरना मेनली ये जो मस्टोइड एंट्रम है ना आप इमेजिन नहीं कर पाते कि ये मस्टोइड एंट्रम कहाँ प्रेजेंट है। तो मैंने आपको क्लियर बताया ये मस्टोइड प्रोसेस के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है, और ये मिडिल ईयर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये अपन ने इसके सारे देखे अब कम्युनिकेशन। अब अपन देखते हैं इसकी बाउंड्री। तो यार इसकी बाउंड्री ना आपको बिल्कुल रटना नहीं है किसी भी चीज को, आप सारी चीज का इमेजिन करते जाना। तो बड़ा ही इजीली तरीके से अपन इसकी सारी बाउंड्री भी देख लेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी रूफ। तो आपको यार यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा इसी डायग्राम में, ये अपना है मिडल ईयर, ठीक है ना। अब मिडल ईयर के ऊपर क्या आ रहा है, इसके रूफ में क्या आ रहा है, तो मिडल ईयर के रूफ में आप बोलोगे सर मेनली अपनी एक थिन प्लेट है बोन की, तो बिल्कुल सही। तो जो रूफ है ना वो बनाता है एक थिन प्लेट बनाती है बोन की, और एक कौन सी बोन है, ये अपनी है टेम्पोरल बोन, क्योंकि अपना मिडल ईयर सिचुएटेड है टेम्पोरल बोन में। और टेम्पोरल बोन के ये वाले पार्ट को अपन बोलते हैं टैगमेन टिम्पेनी। तो आप बड़े ही इजीली तौर पे ये इमेजिन करके भी लिख सकते हो। मैं आपको अगर इस मॉडल में भी दिखाऊं, तो ये इसकी लेटरल वॉल है, ये इसकी इंटीरियर वॉल है, और ये ऊपर की साइड इसका है रूफ। और रूफ कौन बना रहा है, वो अपनी बना रही है टेम्पोरल बोन का टैगमेन टिम्पेनी पार्ट। तो अपन रूफ की बाउंड्री में आप लिख देना थिन प्लेट, तो आप रूफ में डायरेक्ट लिख देना कौन बना रहा है टैगमेन टिम्पेनी। अब आप खुद सोचो अपने इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, मिडिल ईयर के जस्ट ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, उसके ऊपर अपना प्रेजेंट होगा ब्रेन, और ब्रेन के भी क्या सेरेब्रल हेमिस्फेयर। तो ये रूफ जो है एक तरीके से क्या कर रहा है, अपने मिडिल ईयर को
सेरेब्रल हेमिस्फेयर से सेपरेट कर रहा है। तो यहाँ पे इनने क्या अपन को इस सेरेब्रल हेमिस्फेयर भी बना दिया है, ताकि आपको अच्छे से याद रहे क्योंकि मिडल ईयर को सेरेब्रल हेमिस्फेयर से कौन सेपरेट कर रहा है, वो कर रहा है इसका रूफ टैगमैन टिम्पेनी वाला पार्ट। उसके बाद अपन देखते हैं इसका फ्लोर, फ्लोर मतलब इसके नीचे वाला हिस्सा। तो अब आप यहाँ पे भी देखो इसके फ्लोर में भी क्या आ रहा है, इसके फ्लोर में भी मेनली अपना आ रहा है बोन। तो ये भी कौन सी बोन है, ये भी अपना है टेम्पोरल बोन। उसके अलावा क्या रहता है, अब ये जो फ्लोर है ना जो कि अपने टेम्पोरल बोन से बन रहा है, ये अपने मिडल ईयर को किससे सेपरेट कर रहा है, वो मिडल ईयर को इंटरनल जुगलर वेन से सेपरेट कर रहा है। एक्चुअली मैं जस्ट इसके नीचे अपने मिडल ईयर के जस्ट नीचे जो है इंटरनल जुगलर वेन प्रेजेंट होती है। तो ये जो फ्लोर है ना जो कि अपने टेम्पोरल बोन से बन रहा है, वो मिडल ईयर को इस इंटरनल जुगलर वेन से सेपरेट करता है। उसके अलावा अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो ध्यान से, इसके फ्लोर में एक नर्व भी आ रही है, ये आपको येलो से दिख रहा होगा। उस नर्व का नाम है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। यार बड़ा ही इजी है, अपन ने देखा ना एक्चुअली में रूफ और फ्लोर में दोनों में एक तो बोन आ रही है, वो बोन से बन रहा है। उसके अलावा फ्लोर में एक नर्व भी आ रही है, एक नर्व भी रिलेशन बना रही है, वो है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। तो बड़े ही इजीली तरीके से अपन कर सकते हैं अगर चीज़ों को समझ के पढ़े। अब अपन देखते हैं इसकी इंटीरियर वॉल को। तो इसके लिए क्या मुझे डायग्राम थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा और अपन इससे देखेंगे मॉडल से। तो यह है अपनी लेटरल वॉल, मैं फिर से लेटरल वॉल को लेटरल साइड में रखता हूँ, ये मैंने रखा, और यह है अपनी अब इंटीरियर वॉल। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये जो इंटीरियर वॉल है ना उसमें सिर्फ तीन चीज़ें रहती हैं, आपको सिर्फ तीन चीज़ें इसमें याद करनी है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो मिडिल ईयर है ना उसमें दो मेन कंटेन होते हैं। एक तो मिडिल ईयर में रहता है मिडिल ईयर के ईयर ऑसिकल्स, मतलब तीन मिडिल ईयर की बोन्स, मेलस इनकस एस्टेप। उसके अलावा इसमें दो मसल भी रहती हैं, एक मसल का नाम है एस्टेपिडियस मसल, दूसरी मसल का नाम है टेंजर टिम्पेनाई मसल। अब क्या होता है यार, मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये दोनों मसल जो है ना वो इंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल के साथ रिलेशन बनाएगी। जैसे कि ये टेंजर टिम्पेनाई मसल है वो इसके इंटीरियर वॉल के साथ रिलेशन बनाएगी, वहीं एस्टेपिडियस मसल इसकी पोस्टीरियर वॉल में आएगी। अभी अपन इंटीरियर वॉल देखते हैं सबसे पहले। तो मैं आपको बताऊं, ये अब आप देख रहे हो ना, ये आपको सबसे ऊपर आपको एक कैनाल दिखेगी, एक ओपनिंग दिखेगी, वो जो ओपनिंग है ना वो अपनी है टेंजर टिम्पनाई मसल की टेंडन के लिए ओपनिंग। इसी के थ्रू टेंजर टिम्पनाई मसल की जो टेंडन है ना वो मिडल ईयर में एंटर करेगी। तो सबसे पहले इंटीरियर वॉल में अपन को मिलती है टेंजर टिम्पेनाई मसल की ओपनिंग, ताकि टेंजर टिम्पेनाई मसल की टेंडन मिडल ईयर में जा पाए। उसके बाद उसके जस्ट नीचे अपन को मिलेगी एक ऑडिटरी ट्यूब की ओपनिंग। मैंने आपको बताया था ना मिडल ईयर जो है नेजोफेरेंस के साथ कम्युनिकेट करता है थ्रू एक ट्यूब, उसको अपन बोले थे ऑडिटरी ट्यूब। तो सबसे पहले इसमें रहती है अपनी टेंजर टिम्पेनाई मसल की ओपनिंग, जिसके थ्रू उसकी टेंडन पास करेगी, देन अपनी रहती है एक ऑडिटरी ट्यूब की ओपनिंग। उसके बाद ये पूरा का पूरा ये जो पार्ट है ना वो एक्चुअली में एक बोन बनाती है, एक थिन प्लेट ऑफ बोन बना लेती है, जो कि क्या कर रही है इंटीरियर वॉल को इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से सेपरेट कर रही है। एक्चुअली में इसके जस्ट इंटीरियर में ये मिडल ईयर है ना, मिडल ईयर के जस्ट आगे इंटीरियर में अपनी एक आर्टरी प्रेजेंट होती है, उस आर्टरी को अपन बोलते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो यहाँ पे इंटीरियर वॉल की जो बोन रहती है ना वो एक्चुअली में इस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को सेपरेट करने का काम करती है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये तीन ही चीज़ याद करनी है इंटीरियर वॉल में। फिर से बताता हूँ, सबसे पहले टेंजर टिम्पनाई मसल की टेंडन, देन एक ऑडिटरी ट्यूब की ओपनिंग, उसके बाद वाला पार्ट रहता है थिन प्लेट ऑफ बोन का,
जो कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को सेपरेट कर रहा था। अभी तक अपन ने देखा सबसे पहले इंटरनल जुगलर वेन, जो कि मिडल ईयर के नीचे की तरफ होती है। बिल्कुल अपन को क्या है, याद होना चाहिए कि मिडल ईयर के फ्लोर में क्या आता है, उसमें आता है इंटरनल जुगलर वेन। वहीं इसके इंटीरियर वॉल के साथ आता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और मिडल ईयर के ऊपर तो जाहिर सी बात है ब्रेन ही प्रेजेंट होगा, तो ये इसके अंदर है ब्रेन के हेमिस्फेयर। तो क्या यार, मैं आपको इस 3D स्ट्रक्चर के साथ बता रहा हूँ ना, तो आपको अच्छे से इमेजिन हो पा रहा होगा, वरना ये इतनी आसानी से इमेजिन नहीं हो पाता। अब अपन आते हैं इसकी पोस्टेरियर वॉल पे, और इसके पोस्टेरियर वॉल पे भी सिर्फ तीन स्ट्रक्चर अपने प्रेजेंट रहते हैं। तो ये अपनी थी इंटीरियर वॉल, अब अपन आते हैं इसकी पोस्टीरियर वॉल पे। तो सबसे पहले अगर आप देखो, मैंने आपको बताया था कि पोस्टीरियर वॉल में एक ओपनिंग होती है, उसको अपन बोलते हैं एडिटस, और इसी एडिटस ओपनिंग के थ्रू अपना मिडल ईयर किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा था, वो कम्युनिकेट कर रहा था अपनी मैस्टॉइड एंट्रम के साथ। उसी मैस्टॉइड एंट्रम को अपन जो है टिम्पेनिक एंट्रम भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मिडल ईयर में एक अपनी ओपनिंग रहती है, उससे अपन बोलते हैं मस्टॉइड एंट्रम। उसके बाद अब इसको दिखाने के लिए क्या, मुझे ये वाला डायग्राम ही आपको दिखाना पड़ेगा। ये आप देखिए, यहाँ पे एक ओपनिंग तो प्रेजेंट है ही एडिटस, ये आपको दिख भी रहा होगा। अगर डायग्राम को मैं समझाऊं तो ये इस सेक्शन में डायग्राम है, ये है अपनी लेटरल वॉल। ये क्या, जो मैंने आपको 3D मॉडल बनाया ना क्यूब का, उसी को इनने 2D में बनाया है खोल के। तो ये इसका है पूरा अपना लेटरल वॉल, ये है बीच में मीडियल वॉल, यह है इसकी इंटीरियर वॉल, क्योंकि यहाँ पे अपने इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आ रही है, ये नीचे की तरफ आ रहा है इंटरनल जुगलर वेन, ये है इसका फ्लोर, और ये है इसका रूफ, और ये है इसकी पोस्टीरियर वाली वॉल। ये इंटीरियर है तो ये होगी पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर में सबसे पहले एक इसमें ओपनिंग है, वो है अपनी एडिटस की ओपनिंग। उस एडिटस ओपनिंग के बाद यहाँ पे एक आपको कोनिकल प्रोजेक्शन जैसा दिख रहा होगा, उसे अपन बोलते हैं प्रामिडालिस। मैंने आपको बताया था ना कि एक्चुअली में अपनी इंटीरियर वॉल में एक मसल होती है, उसको अपन बोल देते हैं टेंजर टिम्पनाई मसल। उस टेंजर टिम्पनाई मसल की टेंडन जो है इंटीरियर में, उस टेंजर टिम्पनाई मसल की टेंडन जो है इंटीरियर वॉल के होते हुए मिडल ईयर में आती है, कुछ इस तरीके से। वैसे ही सिमिलरली पोस्टीरियर वॉल में एक मसल होती है, उससे अपन बोलते हैं एस्टेपिडियस मसल। और ये जो एस्टेपिडियस मसल की टेंडन है ना, ये जो कोनिकल प्रोजेक्शन है ना प्रामिडालिस, उसके थ्रू पास होती है। तो ये जो प्रामिडालिस है ये अपनी ओपनिंग, तो ये प्रामिडालिस जो है कोनिकल प्रोजेक्शन, वो अपना पोस्टीरियर वॉल में रहता है मिडल ईयर के, और अपनी एस्टेपिडियस मसल को ओपनिंग प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर सबसे पहले एक अपनी है ओपनिंग, जिसको अपन बोलते हैं एडिटस, उसके बाद इसमें कॉनिकल प्रोजेक्शन है प्रामिडालिस, और इस प्रामिडालिस के बाद अगर आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो, यहाँ पे येलो से आपको एक दिख रही होगी नर्व, मेनली येलो से अपन नर्व ही बनाते हैं। तो ये जो नर्व है ना, ये एक्चुअली में अपनी है फेशियल नर्व, और ये फेशियल नर्व एक कैनाल के अंदर रहती है, उससे अपन बोलते हैं फेशियल कैनाल। तो ये जो फेशियल कैनाल है ना, वो मिडल ईयर के पोस्टीरियर वॉल के साथ रिलेशन बनाएगी, ये आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से। देन आगे आते हुए ये प्रामिडालिस के जस्ट अबव में जो है वो जो है मिडल ईयर के मीडियल वॉल की तरफ मुड़ जाएगी, ये कुछ इस तरीके से। अगर मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊं तो ये अपनी फेशियल कैनाल है जो पोस्टीरियर वॉल में है, देन होते हुए वो अपनी आ जाती है मीडियल वॉल में भी। तो ये अपनी है फेशियल कैनाल। तो सिर्फ आपको तीन यहाँ पे रिलेशन याद करने पड़ेंगे, एक एडिटस, देन प्रामिडालिस, उसके बाद अपनी फेशियल कैनाल। और तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊं, ये जो प्रामिडालिस है ना, ये अपनी ओपनिंग प्रोवाइड कर रहा है फॉर द पैसेज ऑफ टेंडन ऑफ एस्टेपिडियस मसल।
स्टेपिडियस मसल वही अपनी जो स्मॉलेस्ट बोन है ना स्टेप बोन, उसके लिए होता है। अब अपन जो है इसका लेटरल वॉल देख लेते हैं। तो मेनली यार इसके लेटरल में अपने इंटरनल ईयर के लेटरल में क्या आ रहा है, इसके लेटरल में अपना आ रहा है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो बस आपको यही लिखना है कि इसके लेटरल में आती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे एक नर्व भी आ जाती है। अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखो, ये जो फेशियल नर्व है ना, वो क्या कर रहा है, आपको यहाँ पे एक ब्रांच दे रहा है। उस ब्रांच को अपन कहते हैं कॉडा टिम्पेनाई नर्व, और एक कॉडा टिम्पेनाई नर्व अपना लेटरल वॉल के साथ रिलेशन बनाता है। तो आप अच्छे से याद करना कि मिडिल ईयर के लेटरल वॉल के साथ कौन रिलेशन में आएगा, एक अपना टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और कॉडा टिम्पेनाई नर्व। और यार अगर आपको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर भी डिटेल में वीडियो चाहिए, तो मैंने उसके लिए भी वीडियो बना रखी है डिटेल में, लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आप टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की भी वीडियो देख लेना, ठीक है। देन अब अपन आते हैं इसकी मीडियल वॉल पे, इसकी ये वाली वॉल। तो यार इसकी जो मीडियल वॉल है ना, उसमें बहुत सारे कंटेंट अपन को देखने पड़ेंगे। अगर मैं मेरे यहाँ पे मॉडल में आपको दिखाऊँ फोन में, तो आपको क्लियरली दिखेगा ये इसका है लेटरल व्यू और ये है इसका मीडियल व्यू। तो इसके मीडियल में, मिडल ईयर के मीडियल वॉल कौन बना रहा है, वो अपनी बना रहा है इंटरनल ईयर। और मेनली इंटरनल ईयर में क्या रहता है, उसमें रहता है अपना कॉकलियर। अब इसको अपन और डिटेल में देखते हैं कॉकलियर को, ये देखिए। तो ये है अपना इंटरनल ईयर। तो इंटरनल ईयर मैं आपको बेसिक प्रीव्यू दे देता हूँ, दो चीज से बनता है। एक इसका होता है राउंड गोल सा स्ट्रक्चर, उससे अपन बोलते हैं कॉकलिया। उसके बाद इसमें होती है तीन सेमी सर्कुलर कैनाल। तो एक्चुअली में ये जो कॉकलियर है ना, उसका जो फर्स्ट टर्न होता है ना बड़ा सा, उसी को अपन बोलते हैं प्रोमोन्टरी। तो इसको अपन बोलते हैं प्रोमोन्टरी, और उसमें दो ओपनिंग भी रहती हैं। एक्चुअली में अपने इंटरनल ईयर में दो ओपनिंग भी प्रेजेंट है, उसे अपन बोलते हैं फेनेस्ट्रा। एक इसकी ओपनिंग है, तो एक इसकी होती है ओवल ओपनिंग, उसे अपन बोलते हैं फेनेस्ट्रा वेस्टिबली, ये ऊपर वाली। देन दूसरी इसकी ओपनिंग होती है गोल ओपनिंग, उसे अपन बोलते हैं फेनेस्ट्रा कॉकलियर ओपनिंग। अगर मैं आपको ये वाला भी दिखाऊं तो आपको अच्छे से दिखाई पड़ेगा। तो अब होता क्या है यार, अपना मिडल ईयर, ठीक है। अब मिडल ईयर को, ये है अपना लेटरल वॉल और ये है इसकी इंटीरियर वॉल और ये है इसकी मिडल वॉल। तो अगर मैं इसको प्लेस करके बताऊं तो कुछ इस तरीके से वो प्रेजेंट है, तरीके से वो रिलेशन बनाता है। तो सबसे पहले अपने मिडल ईयर में आपको बीच में एक गोला सा दिखाई पड़ेगा, उससे अपन बोलते हैं प्रोमोन्टरी। और मेनली प्रोमोन्टरी क्या है, ये अपना फर्स्ट टर्न है कॉकलिया का, ये आप देख लो, ये फर्स्ट टर्न होता है कॉकलियर का, उससे अपन बोलते हैं प्रोमोन्टरी। और इस प्रोमोन्टरी वाले स्ट्रक्चर पे कुछ नर्व का प्लेक्सेस होता है, उसे अपन बोलते हैं टिम्पेनिक प्लेक्सेस। अभी टिम्पेनिक प्लेक्सेस किस तरीके से बनता है, वो सारा पार्ट जो है अपन इसके नर्व सप्लाई में देखेंगे। तो एक इसके अंदर सबसे पहले रहता है प्रोमोन्टरी, देन प्रोमोन्टरी के बाद उसमें दो ओपनिंग भी होती हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वही ओपनिंग है जो इंटरनल ईयर में जो ओपनिंग रहती है ना, वो दो ओपनिंग इसके मिडल वॉल के साथ भी रिलेशन बनाएंगी। सबसे ऊपर अपनी है ओवल ओपनिंग, देन नीचे की साइड अपनी है राउंड ओपनिंग। तो यहाँ ओवल ओपनिंग है, राउंड ओपनिंग है। तो जो अपना मिडल ईयर है, तो जो अपना मीडियल वॉल है, वो इंटरनल ईयर के तीन स्ट्रक्चर के साथ रिलेशन बनाता है। सबसे पहले प्रोमोन्टरी, उसके बाद दो ओपनिंग, एक ओवल ओपनिंग, देन राउंड ओपनिंग। उसके अलावा इसके अंदर एक होती है कैनाल, ये मैं आपको दिखा रहा था ना येलो से, फेशियल कैनाल। यही फेशियल कैनाल पोस्टेरियर वॉल से होते हुए अपनी आ रही थी मीडियल वॉल में। तो इसमें एक अपनी होती है फेशियल कैनाल, जिसके अंदर है फेशियल नर्व। और इस फेशियल कैनाल के ही जस्ट ऊपर एक और कैनाल होती है, वो है अपनी सेमी सर्कुलर कैनाल। तो जो मीडियल वॉल है, उसमें आपके पांच स्ट्रक्चर होते हैं, मैं फिर से बताता हूं। पहले प्रोमोन्टरी,
जो कि फर्स्ट राउंड है अपने कॉकलियर का, देन फेनेस्ट्रा वेस्टिबली, ये जो ओपनिंग है ना अपनी ओवल ओपनिंग, उसे ही अपन बोलते हैं फेनेस्ट्रा वेस्टिबली। उसके बाद फेनेस्ट्रा कॉकलिया, ये जो राउंड ओपनिंग है, और अपनी एक फेशियल कैनाल, और उसी फेशियल कैनाल के ऊपर एक अपनी सेमी सर्कुलर कैनाल। तो यार ये मैंने आपको पूरे की पूरी मिडल ईयर की सारी बाउंड्रीज मैंने अच्छे से बता दी, और ये इतने आसानी से यार नहीं हो पाती। इमेजिन मैंने आपको ऐसे डायग्राम के साथ और 3D मॉडल में बताया ना, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से इमेजिन हो गई होगी। और अब इसका बचा है कंटेन वाला पार्ट। तो यार इसका जो कंटेन है ना, मैं आपको मीडियल वॉल की ही पार्ट 2 वीडियो में बताऊंगा, ताकि इस वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना बढ़े। और ये ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, मात्र 10 मिनट की वीडियो होगी, और इसके लिंक जो है मैंने आई बटन पे दे दिया है। तो यार पहले जाओ और इसकी वीडियो देखो, इसके कंटेन की भी, और इस पूरे मिडल ईयर को तुम अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और यही वाली वीडियो में मैं क्या करूँगा, ये जो मिडल ईयर है ना अपना, उसके सारे नोट्स प्रोवाइड करूँगा, और ये भी बताऊँगा कि से यूनिवर्सिटी में किस किस हेडिंग में लिखना है। तो वो वाली वीडियो तो बिल्कुल अपन को मिस करना ही नहीं है। तो फटाक से जो कोने में आई बटन है ना, उसको दबाओ और ये वाली वीडियो भी देख लो।